राजू देखो तो माइटी राजू कितना तेज भागता है। पता है मुझे। हाँ? इतना दिलचस्प न्यूज़ है और तुम खाना खा रहे हो? नहीं, मोबी और मैं जैम खा रहे हैं। राजू, जूली। अरे, अरे गोपी। बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। अगले महीने आर्यनगर और राजनगर के स्कूल्स के बीच में स्पोर्ट्स चैंपियनशिप शुरू होने वाला है। हाँ, ये तो हर साल होता है ना? पर राजू, इस बार राजनगर स्कूल के टीम में इंडिया का नेशनल चैंपियन सिद है। ओह नो। क्यों? इस सिद की क्या खासियत है? राजू, हमारे देश के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं सिद ने। वो इतना तेज भागता है, उसे कोई नहीं हरा सकता, सिवाय माइटी राजू के। काश माइटी राजू आर्यनगर टीम में होता। अब हमारा होमवर्क भी माइटी राजू आके करेगा क्या? मतलब हर चीज में सुपर हीरो की मदद क्यों चाहिए? हम भी तो मेहनत कर सकते हैं। सारा आर्यनगर माइटी राजू से मदद लेता है। माइटी राजू बड़े काम करता है। ये सिद्ध तो हम जैसा बच्चा है। इसको हराने के लिए तो माइटी राजू की जरूरत ही नहीं है। तो कौन लेगा सिद्ध से टक्कर? हम। हम? हम कैसे जीतेंगे राजू? हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? हमें पहले सेहत और खाने पर ध्यान देना चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस भी करनी होगी। कब से? कल से। क्या कर रहे हो राजू? ऐसे ही वार्म अप कर रहा था। चलो शुरू करते हैं। हमें क्या करना होगा? पहले हम एक रेस दौड़ कर देखते हैं कितने समय में कर पाएंगे, तब पता चलेगा जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी। ठीक है। माइटी पावर को करो काबू। माइटी राजू बन जाए सिर्फ राजू। रेडी स्टेडी 1 2 3। बाप रे, और दौड़ नहीं सकता। मम्मा। मैं भी नहीं। रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर, हमने रेस खत्म भी नहीं की। ना बाबा, और नहीं दौड़ सकता। राजू, हम पानी पीने जा रहे हैं। ब्रेक चाहिए मुझे। माइटी राजू होता तो अब तक ये 10 बार दौड़ चुका होता। राजू बन जाए माइटी राजू। माइटी पावर हो फिर से लागू। हाँ, मजा आया। चक्कर आ गया। मुझे भी ब्रेक चाहिए। आम बच्चा होना बहुत मुश्किल है, सुपर हीरो होना ही बेहतर है। आर्यनगर खेल प्रतियोगिता में सभी का स्वागत है। अब मैं हमारे स्कूल की तरफ से राजनगर स्कूल की टीम का स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि राजनगर स्कूल के कप्तान हमारे नेशनल चैंपियन सिद्धार्थ मंच पर आए। चलिए हम सब तालियों से सिद्ध का स्वागत करते हैं। आर्यनगर वालों, कुछ तालियां बचा के रखना मेरी जीत के बाद बजाने के लिए।
इस प्रतियोगिता में अगर आर्यनगर हार भी जाए, आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं होगी। सिड ऐसा होने नहीं देगा। बातें बहुत कर ली, चलो अब खेल शुरू करते हैं। ये सिद कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। पहला रेस है सैक रेस, मतलब कि बोरी दौड़। बोरी में दोनों पैर रखकर ट्रैक के इस ओर से दूसरी ओर तक खिलाड़ियों को कूदते हुए जाना होगा। जो सबसे जल्दी पहुंचेगा, वही रेस जीत जाएगा। गोपी, बोरी दौड़ जल्दी खत्म करने के लिए झुक के छोटी छोटी छलांगे मारनी होंगी। जल्दबाजी की तो पैर फिसल जाएगा और गिर जाओगे। ओके राजू। छलांगे लेते हुए सबसे आगे है। राजू, हम पीछे चल रहे हैं। चलो अब और जल्दी छलांग मारते हैं। राजू 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 भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लंबी छलांग को राजू बराबर टक्कर दे रहा है अपनी तेजी से। राजू राजू सिड और राजू अंतिम रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। विजेता है राजू। वाह, क्या बात है। ये क्या है डैड? ये मेरा नया गैजेट है बेटा, मेमोरी गैजेट। इससे किसी की भी 10 मिनट की मेमोरी मिटा सकते हैं। वाह डैड, मैं इसे स्कूल ले जाऊं? हाँ प्लीज। हाँ हाँ ले जाओ, अब लेकिन संभाल के। हाँ बेटा। थैंक्स डैड। अरे वाह राजू, तुम तो तैयार हो गए। अब लो बेटा, दूध पी लो। मॉम प्लीज, मुझे दूध नहीं पीना। नहीं, पीना तो पड़ेगा ही। लो पी लो। राजू। सॉरी मॉम। राजू बेटा, ऐसा करना गलत है। दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा राजू। सॉरी डैड, पर ये गैजेट कमाल का है। बाय बाय मॉम, बाय बाय डैड। बाय राजू बेटा। बाय, हैव अ नाइस डे। ये देखो
देखो मैंने कल ये सीनरी ड्रॉ की, कैसी लगी? बहुत सुंदर है जूली। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। स्कूल सभी बच्चों को ट्रिप पर हाथी घर ले जाएगा। हाथी घर में सर्कस से छुड़ाए हुए हाथियों का खास ध्यान रखा जाता है। हम वह हाथियों को करीब से देखेंगे, उन्हें नहलाएंगे, खाना खिलाएंगे। वाव, मुझे हाथी बहुत अच्छे लगते हैं। क्या तेनु पता है, हाथी धरती का सबसे बड़ा जानवर होता है। और पता है हाथी एक दिन में कितना पानी पी जाता है? कितना? ओए बहुत सारा। बड़े हाथी तो 150 लीटर तक पानी पी सकते हैं। मैं उसे इस तालाब में ढकेल दूंगा। राजू संभल के, चार्ली तुम्हें तालाब में गिरा देगा। थैंक यू गुड्डू, तुमने मुझे तालाब में गिरने से बचाया। गुड्डू, देख मैं तुम्हारे लिए गुड लाया हूँ। गुड्डू, ये गुड्डू कहाँ चला गया? अभी तो यही था। गुड्डू ने मेरी मदद की थी, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। माइटी राजू को आना होगा। दोस्तों मैं बस अभी आया। इतना महंगा भी तो नहीं। गुड्डू बदमाश कहीं के, तू यहाँ है और मैं कब से तेनू ढूंढ रहा, चल वापस। चलो गुड्डू, चलो वापस चले। गुड्डू बहुत होशियार है। गुड्डू तो गड्ढे में गिर गया। ओ मेरा गुड्डू। एक्टिवेट रोबो क्लॉ। गुड्डू बाहर आ रहा है। गुड्डू यहाँ वापस आकर बहुत खुश है। तो बच्चों कैसा लगा तुम सबको ये स्पेशल पिकनिक? देखा, गुनगुने पानी में कुछ देर रखने से स्टार कितनी आसानी से निकल आता है। जी सर। यस, एक्टिंग की पहली क्लास। सर हमें हीरो की एक्टिंग सिखाएंगे? नहीं, पॉपकॉर्न की। एक्टिंग के लिए जरूरी है कल्पना करना और फिर वो कल्पना खुद बन जाना। तो कल्पना करो कि तुम एक पॉपकॉर्न हो। पहले एक छोटा सा सिकुड़ा हो दाना, ऐसे ही ऐसे ही, और फिर जब तब कर वो दाना फूट कर फैल जाता है। ओ फूट। गोपी तुम्हारे पास तो पोस्टमैन से भी ज्यादा चिट्ठियां हैं। कल हॉबी क्लास की लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट जो दिखाना है। पर इतनी चिट्ठियां, इतने स्टैम्प्स तुमने कैसे जमा किए गोपी? पूरी कॉलोनी में घर घर जाकर घंटी बजाई। ये देखो
इस लिफाफे पर मंगोलिया का स्टैम्प, और ये 1935 का जर्मनी का। नहीं रुको, नहीं मेरा स्टैम्प। कल जरूर मिलूंगा। उन्होंने यही आर्यनगर के पास एक आलीशान बंगलो लिया है और आज मुझे दावत पर बुलाया है उन्होंने। वाह, दावत? हमें नहीं जाना उसके साथ, है ना राजू? मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। निकलते वक्त मुझे फोन कर देना, ठीक है? तुम तो विंसी को बढ़िया चला लेते हो मोबी। थैंक यू राजू। राजू सॉरी। नहीं नहीं मोबी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मोबी तुम यही रुको। टिकटॉक जल्दी से मैक ट्रैक को ऑन करो पूरी शक्ति के साथ। मेरी विंसी को चुरा कर तुमने अच्छा नहीं किया। रुको रुको, देखो मुझे ये करना पड़ा वरना मैं कभी घर नहीं जा पाती। क्या मतलब? अंतरिक्ष के सबसे खतरनाक लुटेरे थे वो लोग, उन्होंने मुझसे मेरा यान लूट लिया। ठीक है, पहले मुझे मेरा विंसी लौटा दो, उसके बाद तुम्हारा यान ढूंढने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ट्रैकर से सिग्नल मिल रहा है, उनका महायान यहीं आसपास है। वो रहा मेरा यान। ओए छूना नहीं मेरे यान को। उन्हें यान तक पहुंचने ना देना, खत्म कर दो उन्हें।
समझता नहीं। पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। बच्चे निकलो यहाँ से, जाओ जाओ। कोई फ्लेवर भूला तो नहीं ना? नहीं नहीं, इससे ज्यादा फ्लेवर्स तो मेरे पास है ही नहीं। कैसे हो बच्चों? हेलो कमिश्नर खन्ना। तुम्हें आइसक्रीम खाता देख मेरा भी आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। मुझे एक वनीला आइसक्रीम देना चॉकलेट सॉस के साथ। अरे कमी आइसक्रीम को गिर ना जाए। फिलहाल तो तुम ये आइसक्रीम के पहाड़ को संभालो। राजू, मूर्ति अंकल टिकट्स लेके कब आएंगे? गोपी, मूर्ति अंकल कभी भी टाइम पर कुछ नहीं करते। कोई बात नहीं, आ जाएंगे। पर अब मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा हूँ। तुम सबका मनोरंजन करता हूँ। वो कैसे राजू? दोस्तों, पेश है मेरा मिनी जू। मूवी रेडी? मगरमच्छ, गुड बॉय। मूवी जिराफ। क्या बात है। हाथी कैसे चलता है मूवी? बड़ा शानदार हाथी है ये हमारा। शाबाश। और
बंदर कैसे एक्ट करता है? ये देखिए कमिश्नर खन्ना, स्पेस बॉट तैयार है। एक ऐसा सुपर स्ट्रॉन्ग रोबोट जिसे हम रिसर्च करने स्पेस में भेज सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त करें ताकि ये किसी गलत हाथों में ना पड़े। बहुत अच्छे डॉक्टर स्वामी, हमें आप पर गर्व है। इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी। शुक्रिया कमिश्नर खन्ना। कमिश्नर खन्ना मुझे जेल में कैद करना चाहता है, पर नादान ये नहीं जानता कि स्पाइस और जैसे टाइक्वांडो चैंपियन को कोई पकड़ नहीं सकता। बैटरी खत्म हो गई है।